तीन विपक्षी महिला सांसदों ने वॉकआउट किया है राज्यसभा से, क्या वजह थी? जया जी, क्यों आपने वॉकआउट किया? हमने इसलिए वॉकआउट किया है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सुबह से हम चिल्ला रहे हैं। कल हमारे इतने एमपीज को डिसमिस कर दिया, आज हमारे एमपीज जो वेल में गए थे उनको डिसमिस नहीं किया। ऊपर से जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं वो कहते हैं हम देखते हैं आप लोग कब तक, आप लोगों की सहन शक्ति देखते हैं, 11 बजे तक हाउस चलाएंगे। हर आधे घंटे में उन लोग तो चले जाते हैं पानी पीने, बाथरूम भी चले जाते हैं। हमारा बाथरूम भी इतना भयानक है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप जो है नहीं, अनफेयर, अनजस्ट, आप कौन सा मेजर यूज कर रहे हैं कि कल उनको आपने डिसमिस कर दिया, आज उन लोगों को नहीं डिसमिस किया? आज भी विपक्षी सांसद बिल में गए थे, देखिए ऑफ कोर्स। और देखिए दूसरी बात यह है, आपको बिल पास करना आप ऐसे ही कर देते, अभी आए नो बोलने की क्या दरकार है, ये सब नाटक किस लिए है? जी जी, मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, उन्होंने भी वॉकआउट किया है जया बच्चन के साथ। प्रियंका जी, क्या इश्यूज थे, क्यों आपने वॉकआउट किया? देखिए चेयरमैन कह रहे थे कि उनको पीड़ा होती है कि स्टेप्स पे बैठकर चेयरमैन की कोई नकल उतारता है। हमें भी पीड़ा होती है, हमें भी इस बात की पीड़ा होती है कि हम रोज कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो सब टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है उस पर किसी ने आक्रमण किया है, उस आक्रमण की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है और वो गृह मंत्री आकर करेंगे। तो पीड़ा होती है, गृह मंत्री पार्लियामेंट को भी कुछ नहीं समझते हैं अपने ऊपर, अपने अहंकार के ऊपर कि पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। पीड़ा इस बात की होती है कि हमारे जो सांसद हैं जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। पीड़ा इस बात की होती है कि आप पिक एंड चूज कर रहे हैं कि किसको करना है किसको नहीं करना है। पीड़ा इस बात की होती है कि बिल्स आज पास हो रहे हैं विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डिबेट, जस्ट बिकॉज आपने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर, एक नए पार्लियामेंट में नया इतिहास रचा है 142 लोगों को सस्पेंड करने का। शर्मनाक है, दर्दनाक है और मैं उम्मीद करती हूँ हमारी भी पीड़ा चेयरमैन सुनेंगे, इसी वजह से हमने वॉकआउट किया। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV।